सो वंस अगेन वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10th एंड चैप्टर नंबर 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पार्ट 1 में हमने चार क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछ रहा है मेंशन द स्टेप टू क्रब द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो इंडस्ट्री का काम होता है देश को डेवलप करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, मगर इंडस्ट्री का ये भी काम होता है कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाना, है ना। और एनवायरमेंट को ऐसे नुकसान ना पहुंचे तो उसके लिए हम लोग कौन से कदम उठाएंगे। सो स्टेप टू क्रब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ओके। सो आंसर, स्टेप टू क्रब द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हियर द फर्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री आर द पिलर ऑफ द नेशन इकोनॉमी। हाँ, किसी भी देश को तरक्की करनी है तो इंडस्ट्री आर मस्ट। दे शुड बी डेवलप टू सॉल्व द सेवरल प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्री कंट्रीज की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, हाँ एग्री। द कंट्री शुड डेवलप द इंडस्ट्री इन सच अ वे दैट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द एनवायरमेंट। तो देश में जो तरक्की हो रही है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, वो ऐसा होना चाहिए कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे, है ना। द अमाउंट ऑफ द पोल्यूशन एंड द क्वालिटी ऑफ द पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस विद अ प्रॉपर प्लानिंग मेथड एंड इक्विपमेंट। तो हमको पहले प्लान करना पड़ेगा कि हमारा मतलब सो कॉल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने से कितना पोल्यूशन होगा, और वो इंडस्ट्री हम लोग कैसे पोल्यूशन को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, किन तरीकों से कंट्रोल करेंगे। पोल्यूशन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस बाय यूजिंग करेक्ट मटेरियल एंड फ्यूल। कई बार अगर आप गाड़ी में गलत फ्यूल डालते हो तो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। सही रॉ मटेरियल एंड फ्यूल उसका एक आंसर है। द एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग फिल्टर लाइक स्क्रबर, प्रेसिपिटेटर्स एक्सेट्रा। आई थिंक स्क्रबर्स, हाँ वो भी है, इन द फैक्ट्रीज। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग एयर पोल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते बट उसको लिमिट कर सकते हैं। द वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाई रिलीजिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस ओनली आफ्टर प्रॉपरली ट्रीटिंग डैम। ओके, सो वाटर पोल्यूशन भी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप लोगों ने 8th-9th में पढ़ा होगा। सो कैसे होता है, साइंस में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो एक सोल्यूशन हो सकता है। मोर ओवर इंडस्ट्रियल वाटर कैन बी प्योरीफाइड आफ्टर ट्रीटिंग एंड इट रीयूज। पानी को दोबारा भी इस्तेमाल करने के लायक बनाया जा सकता है। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करना है। इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द ह्यूमन लेबर ओनरशिप एंड द सोर्सेज ऑफ द रॉ मटेरियल। तो अगर ह्यूमन लेबर के हिसाब से बात करें तो इंडस्ट्री को हम लोग कैसे बाइफरकेटिंग करेंगे, तो जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और जहाँ बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत लोग काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओनरशिप में क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल की। ऑन द बेस ऑफ द ह्यूमन लेबर द इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड एज अ स्मॉल स्केल एंड अ लार्ज स्केल। तो इंडस्ट्री को हम लोग स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल गिनेंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री विच एम्प्लॉय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इन नोन एज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। नाउ मूविंग टूअर्ड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री विच इज जनरली ओन्ड बाई इंडिविजुअल एंड विच एम्प्लॉय अ वेरी लेस पीपल इज नोन एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल रेडीमेड गारमेंट यूनिट, डेयरी इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत कम लोगों से काम चल जाता है, तो इसे हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ओनरशिप के बेस पे ना इंडस्ट्री कैन बी प्राइवेट, इंडस्ट्री कैन बी पब्लिक, इट कैन बी कोलोबरेटिव एंड इट कैन बी कोऑपरेटिव, है ना। तो ये और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, तो ऑन द बेस ऑफ द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू एग्रो बेस इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है, एंड मिनरल बेस इंडस्ट्री, जो हमारे मिनरल्स पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 3, एंड हाउ मेनी शिप बिल्डिंग सेंटर आर देयर इन इंडिया, विच आर देयर। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हैं और कितनी है। सो देर आर 5 शिप बिल्डिंग सेंटर्स आर इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर शिप बिल्डिंग सेंटर आर इन विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मरमागांव। प्रोड्यूस मॉडर्न शिप्स आउट ऑफ दिस कोची एंड विशाखापट्टनम बिल्ट लार्ज साइज शिप्स। तो मेजर 5 सेंटर हैं, और आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कभी इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। नंबर 2, विच रॉ मटेरियल इज नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। तो सीमेंट बनाने के लिए आपको बेसिक इंग्रेडिएंट क्या चाहिए। मान लो मेरी एक सीमेंट की फैक्ट्री है, तो उसमें एज अ रॉ मटेरियल मैं यूज़ क्या करूँगा। नाउ
लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले एक्सेट्रा आर द रॉ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग सीमेंट। नंबर थ्री, वेयर आर द सेंटर ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री लोकेटेड इन गुजरात। अगर गुजरात की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री के सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं? वेल थोड़ा टेक्निकल आंसर है, बट याद करना पड़ेगा, एग्जाम में मार्क्स भी चाहिए। अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच, ओके, सो आर द मेन सेंटर ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री। नाउ स्टेट द फोर सेंटर ऑफ पेपर इंडस्ट्री ऑफ गुजरात। आई थिंक गुजरात की जगह इंडिया होना चाहिए। आई थिंक देर वाट बी सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन। आप ये गुजरात को कट करके इंडिया कर देना, ठीक है? इंडिया में मेन पेपर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है? आई डोंट नो ये गुजरात कहाँ से लिख दिया मैंने, बट एनी हाउ उसको चेंज कर लूँगा। नाउ सो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा आर द पेपर इंडस्ट्री इन इंडिया। देखो लास्ट में इंडिया गया ना, वो आई थिंक मैंने क्वेश्चन में मिसप्रिंट कर दिया होगा। इट्स ओके। नाउ आते हैं एमसीक्यू की तरफ, जो सबका फेवरेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर नोन एज द कॉटन कॉलेज ऑफ इंडिया फॉर कॉटन टेक्सटाइल। सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। बाकी मैंने तीन ऑप्शन नहीं लिखे। नंबर टू, विच प्लेस डज इंडिया होल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ जूट इन इंडिया। तो जूट के एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया का कौन सा रैंक आता है? आई रिपीट, ऑप्शन ए सेकेंड। अब रिपीट करना चाहिए, मैं ऑलरेडी अपने एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में कर चुका हूँ। इंडिया का प्रोडक्शन में नंबर वन और एक्सपोर्ट में नंबर टू है ना, बांग्लादेश का उल्टा सीन है ना। विच इंडियन सिटी इज वेल नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सो सही आंसर है ऑप्शन बी फॉर बेंगलुरु, है ना, याद रखना। ओके, नाउ वेयर इज द मिनी स्टील प्लांट आर लोकेटेड इन गुजरात? हजीरा, ओके, ऑप्शन डी। एंड लास्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फॉल्स? सो आंध्र प्रदेश, बमपुरी है, एकदम गलत पैर है। सो या दिस इज अ शॉर्ट एंड स्वीट पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 14 वेल बहुत मजेदार रहने वाला है, एंड बहुत जल्द मैं अपने आपके लिए मैं वो लाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून, बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।